रोड और पुलिया बनने के साथ साथ वार्ता क्यों नहीं हो सकती? उम्मीद पूरी है ना, उम्मीदी का विषय नहीं है, लक्ष्य एक ही है। सरकार चाहती है क्षेत्र का विकास हो, वो भी चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो, तो रास्ता एक हो सकता है। नहीं बिल्कुल गिरबान मामले में मामला ही नहीं है, इतने सीनियर इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके जेब में है। अगर वो कह रहे हैं नहीं निकाल सकते तो उनसे आग्रह करेंगे कि आप निकाल लें। अभी उस ABC वर्ग में आप और बहुत सारे लोगों को जोड़ देंगे तो उनके अवसर खत्म होते हैं, किसी भी वर्ग का है। छत्तीसगढ़ में ये हुआ है। नक्सल उन्मूलन को लेकर साय सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी हो रहा है और गिरफ्तारी भी हो रही है, और साथ ही साथ सरकार जो है नक्सल पुनर्वास की नीति पर फिर से एक बार चर्चा शुरू कर चुकी है। हमारे साथ गृह मंत्री और डिप्टी CM विजय शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। एक और बड़ी सफलता आप लोगों को मिली है, पहले 7 नक्सली मारे गए, उसके बाद उन्होंने काउंटर किया, उसके बाद आप लोगों ने उसका जवाब दिया, एक और नक्सली मारे गए, 8 नक्सली मिले हैं, लगातार ये कार्रवाई चल रही है। वहीं सेंट्रल का भी एक पत्र आया है, आप लोग वार्ता के लिए भी तैयार, सेंट्रल कमेटी का एक पत्र आया, उन्होंने कहा कि आप एक तरह तो बोलते हैं कि शर्त नहीं, बिना शर्त चर्चा होगी, और दूसरी तरफ आप शर्त भी रखते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही, क्या कहना है? ये पत्र मेरे हाथ में है वाला, इसमें जो शर्त की बात है वो ये कहा गया है मेरे संदर्भ में कि मैंने कहा कि भाई रोड बनना नहीं रुकेगा, तो रोड बनना रोक करके वार्ता, क्या यह तर्कसंगत है? क्या ऐसी कोई आवश्यकता है? रोड और पुलिया बनने के साथ साथ वार्ता क्यों नहीं हो सकती? क्यों ना बने रोड? सिलगेर पुवर्ती के नौजवान आए थे, 25-25 30-30 साल के लड़कों ने TV नहीं देखा, किस दुनिया में रखना चाहते हैं भाई उनको आप? इसलिए समझना पड़ेगा, वार्ता एक अलग मामला है और बंदूक तो साथ छोड़ा जाता है ना। ये जिस तरह से नक्सलियों का पत्र आ रहा है, आप लोगों का प्रयास तो दिख रहा है कि आप लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, नई पुनर्वास नीति भी के लिए भी आप लोग तैयार हैं, क्या उनके रुख से ऐसा लग रहा है कि वो भी इसके लिए तैयार हैं? देखिए उम्मीद पूरी है, उम्मीद पूरी है ना, उम्मीदी का विषय नहीं है, लक्ष्य एक ही है। सरकार चाहती है क्षेत्र का विकास हो, वो भी चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो, तो रास्ता एक हो सकता है, लक्ष्य यही है। झीरम की कल फिर से एक वर्षगांठ आने वाली है, और इस पर भूपेश बघेल ने कहा है कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि उनके जेब में सबूत है, और आपने भी कहा है कि शायद उनके जेब से सबूत निकालना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा कहा है कि वो गिरिबान पकड़कर या मेरे जेब से सबूत नहीं निकाल सकते, तो नहीं आग्रह करेंगे? नहीं बिल्कुल गिरबान मामले में मामला ही नहीं है, इतने सीनियर इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके जेब में है, अगर वो कह रहे हैं नहीं निकाल सकते तो उनसे आग्रह करेंगे कि आप निकाल लें। 5 साल के मुख्यमंत्री होते होते आपने नहीं निकाला, अभी भी आपसे आग्रह है, कोई भी ऐसा सबूत हो तो देना चाहिए, आप जिम्मेवार व्यक्ति। एक आखिरी सवाल है कि जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, वहीं आपने बोला है कि जो जाति प्रमाण पत्र बना है उसकी जाँच भी की जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मतलब ये है कि ओबीसी वर्ग को आपने आरक्षण दिया, क्यों दिया है? क्योंकि ओबीसी वर्ग को एक अवसर मिल पाए, अभी उस ओबीसी वर्ग में आप और बहुत सारे लोगों को जोड़ देंगे तो उनके अवसर खत्म होते हैं, किसी भी वर्ग का है। छत्तीसगढ़ में ये हुआ है, विगत 3-4 सालों में हुआ है, भाजपा की ही सरकार थी 2015 में, भाजपा की सरकार ने ये प्रारूप बनाया था कि जिसके पास कोई दस्तावेज ना हो उसको नगर निकाय प्रस्ताव करके, नगर पालिका ग्राम पंचायत प्रस्ताव करके और प्रमाण पत्र बना सकते हैं, उसका कोई और यूज़ नहीं हुआ, अभी उसका भयंकर यूज़ किया गया 3-4 सालों में। चलिए ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, और इनका कहना है कि उम्मीद बरकरार है, लगातार वो बोल रहे हैं कि बातचीत के जरिए वार्ता के जरिए नक्सलवाद से निपटा जाएगा, और उसके लिए सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है और उम्मीद यहाँ पर बरकरार है। हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दें इजाज़त, नमस्कार।